हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ और मैं रेगुलरली आपके लिए सेशंस लेकर आती हूँ पंजाब जीके के, ठीक है जी। पर आज का जो हमारा सेशन है ये रहेगा स्ट्रेटजी के ऊपर। जैसे कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि हमारे PSSSP ने पूरा कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है, जो भी डिफरेंट एग्ज़ाम होने वाले थे उनके लिए, और उनमें से जो दो तीन एग्ज़ाम हमारे क्लैश कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग अब फिर से स्टूडेंट्स को अप्रीहेंशन हैं कि मे भी ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, ठीक है। तो पोस्टपोनमेंट की वेट नहीं करनी है, प्रिपरेशन हमें अभी से स्टार्ट करनी है, और प्रिपरेशन जो अगर चल रही है तो उसको नेक्स्ट मोड में लेके जाना है रिवीजन की, ठीक है जी। बट आज की जो वीडियो है इसमें मैं ये बताने जा रही हूँ कि अगर आप जो है वो टेंस्ड अप हो रहे हैं कि ये भी एग्जाम आ गया, ये भी आ गया, हाउ मैं कवर अप कैसे करूँ इनको, है ना, हाउ कैन आई कवर ऑल दिस सब्जेक्ट, ऑल दिस एग्जाम, कैसे इनको एक साथ टारगेट करूँ, ठीक है। तो एक एनालिसिस है, एक बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस है जिसको अगर आप समझ गए तो आपको समझ आ जाएगी कि जो भी हमारे एग्जाम्स हैं इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सभी एग्जाम को हम एक साथ अगर रिविजन करते चले, है ना, एक स्ट्रैटेजी बना के चलते चले तो सभी एग्जाम को हम टारगेट कर सकते हैं और हर एक में जो है अपनी परफॉर्मेंस लेवल को एनहांस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सिलेबस स्पेसिफिक जो हम बात करेंगे, ठीक है, तो सिलेबस अगर देखें तो सबसे पहले अगर एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना होता है तो हम देखते हैं सिलेबस, क्यों, वो बताता है कि हमें कौन से सब्जेक्ट्स में से कितने मार्क्स आने का क्वेश्चन आना है, तो किसको कितनी वेटेज है, किसको कितना एम्फोसिस करना है, किस सब्जेक्ट को हम बाद में भी देख सकते हैं या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कम एफर्ट्स में प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब लेकर हम चलते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो है सिलेबस हमें बताता है एक टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद इट्स मार्क्स, बट जब हम सिलेबस को देखते हैं अलॉन्ग विद PYQs, ठीक है जी, जब हम उसको PYQs के साथ देखते हैं तो वो हमें बताता है कि हमारे इम्पॉर्टेंट जो भी हैं टॉपिक्स कौन से हैं, एरियाज़ कौन से हैं। तो मतलब मुझे अगर मैं 25 मार्क के लिए पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने वाली हूँ, बट उसमें से अगर मैं इन 5 से 10 टॉपिक्स को करके जाऊँगी तो मेरा 15 मार्क्स का कवर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये एनालिसिस हमें मिलेगा PYQs के साथ, इसीलिए जो है हम PYQs के सेशंस भी रेगुलरली लेकर आते हैं। पंजाब जीके के तो आ रहे हैं, साथ में अभी और सब्जेक्ट्स के भी लेकर आएंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि इन सब सब्जेक्ट्स में से भी हमें क्या क्या है जो रिवाइज करके जाना है अच्छे से, ठीक है जी। और थर्ड जो चीज़ है सिलेबस से हमें पता चलेगा ओवरलैपिंग टॉपिक्स, ठीक है जी। जैसे कि पंजाब पटवारी और एक्साइज के अगर एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें हमारा पार्ट ए का जो पंजाबी का क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, ठीक है, और अगर उसका सिलेबस देखें और बाद में जो पार्ट बी का हमारा सिलेबस है उसमें वो सारा कवर होगा, ठीक है ना। तो अगर हम क्वालिफाइंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पार्ट बी में जो भी पंजाबी का रहेगा, हिस्ट्री कल्चर रहेगा, वो ओवरलैप कर रहा है। तो हमें इस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि हम एक ही बार उसका एक इतना अच्छा रिसोर्स ढूंढें कि हमारा जो दो जगह पे वो सिलेबस मेंशन है वो अच्छे से कवर हो जाए, रेदर देन कि इसके टॉपिक्स मैं यहाँ से कर लेती हूँ क्योंकि ये इजी रहेगा और उसके टॉपिक्स के लिए मैं फिर से दोबारा से कुछ डिफिकल्ट जगह से कुछ और अच्छे नोट्स ढूंढूंगी, नहीं। तो उसको जो ओवरलैपिंग टॉपिक्स है उनको देख के सिर्फ एक ही बार में आपको कवर करना है, एक अच्छे कंटेंट के साथ कवर करना है ताकि टाइम बचे, क्योंकि टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, ठीक है जी। तो अब चलते हैं सिलेबस के ऊपर, ठीक है। तो सिलेबस मेन की पॉइंट रहेगा आज जो हम स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं उसमें, क्यों, क्योंकि अगर हम सिलेबस को देख लेना हमें तो ये समझ आ जाएगा कि मुझे सबके लिए कितना कम एफर्ट करने है ना। सारे एग्जाम्स हो जाएंगे पर अगर मैं एक अप्रोच लेके चलूँ, एक टारगेट लेके चलूँ, एक कंटेंट लेके चलूँ, ठीक है, तो मैं क्या है उस सारे एग्जाम्स को टारगेट कर सकती हूँ सिंपल वे में, ठीक है जी। तो पंजाब पटवारी एग्जाम की बात करते हैं, सबसे पहले उसका सिलेबस है, राइट। तो उसमें हमसे क्या पूछा गया है, देखिए, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर में से आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी है, इंग्लिश है, पंजाबी लैंग्वेज है, कंप्यूटर है, पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर है, ठीक है जी। तो अगर पंजाबी लैंग्वेज एंड पंजाब हिस्ट्री कल्चर की बात करें, ठीक है, तो पंजाबी लैंग्वेज के काफ़ी सारे टॉपिक्स, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स जो हैं, और पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर में से जो है काफ़ी सारे टॉपिक्स वो है हमसे पंजाबी क्वालिफाइंग में भी पूछेगा, तो आपको उसको एक ही बार कवर करना है, यू कॉन्ट काउंट दैट कि इसमें भी इतने सारे सब्जेक्ट हैं और उसमें भी, है ना। तो पंजाबी के लिए सबसे पहले एक सिंप्लीफाइड रिसोर्स ढूंढिए, एक यूनिफाइड रिसोर्स ढूंढिए जिसमें से आपके पार्ट बी ऑफ द एग्जाम, क्योंकि ये पार्ट बी का है जिसमें से हमारी मेरिट लिस्ट बननी है, उसका सिलेबस है ना। तो पार्ट बी ऑफ द एग्जाम में जो पंजाबी आनी है और हिस्ट्री कल्चर आनी है वो कवर हो जाए, और साथ में ही हमारी जो पार्ट ए में आनी है जो क्वालिफाइंग है वो भी कवर हो जाए, राइट। अगर आपको इसके पैटर्न को रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट है कि क्या पंजाब पटवारी का पैटर्न है, तो उसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो है जो चैनल पर पड़ी है जिसमें हमने पंजाब पटवारी सिलेबस और जो भी उसका पैटर्न है उसको डिस्कस किया है, आप उसे देख सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जैसे कि हम देखते हैं जनरल नॉलेज की हम बात करेंगे, ठीक है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं हमारे, पॉलिटी, इन्वायरमेंट,
ठीक है, साइंस एंड टेक है, इकोनॉमिक है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स हैं, पंजाब की हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री है, ठीक है। सो ये सब सब्जेक्ट हमें इसके लिए भी करने होंगे, एक्साइज एंड टैक्सेशन, क्योंकि एक्साइज एंड टैक्सेशन का देखिए सिलेबस हमारा बिल्कुल सेम है, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, और यही सारे सब्जेक्ट ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट, यही सब हमें नायब तहसीलदार के लिए करने हैं। तो यही रिक्वायरमेंट था, यही मेरा वीडियो में इंटेंट था कि मैं आपको बता सकूं कि जो भी डिफरेंट एग्जाम है उनमें सिलेबस काफ़ी ओवरलैप कर रहा है, ठीक है जी। तो ये ओवरलैपिंग सिलेबस जो है इनको हमें एक ही बार में प्रिपेयर करना है। लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी हमसे पटवारी में भी आएगा, एक्साइज में भी आएगा और नायब तहसीलदार में भी आएगा, ठीक है जी। अगर हम डेट्स की बात करते हैं, जो हमारा पटवारी का है वो 14 मई को हो जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। एक्साइज एंड टैक्सेशन का एग्ज़ाम जो है हमारा 21 मई को होगा, और जो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम है ये होना है 16 जून को, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या है, इसके पास आपके लिए है एक एक्स्ट्रा टाइम। तो पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे, पटवारी के एग्ज़ाम के हिसाब से उसका जो सिलेबस है, जो उसके डिवीज़न है, उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। ये देखिए कि कौन से टॉपिक स्कोरिंग है, ठीक है, आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से जब आप उसको प्रिपेयर कर लेंगे, नेक्स्ट आएगा आपका एक्साइज का एग्ज़ाम, अगेन सिलेबस आपको दोबारा से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप क्या है उसको और रिवीजन कीजिए और डेप्थ में जाइए, हफ्ते के अंदर चिल नहीं करना है, उस हफ्ता पूरा और जान लगा देनी है ताकि एक्साइज का एग्ज़ाम और भी अच्छे से हो जाए, ठीक है। उसके बाद है कंप्लीट आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ, ठीक है, उसमें हम करेंगे नेक्स्ट लेवल जो हमारी रिवीजन होगी, हम जो पंजाब नायब तहसीलदार है उसके लिए लॉजिकल रीजनिंग के लिए पीपीएससी के जो भी सी सेट है, जो और डिफिकल्ट लेवल के होंगे उसको पूछेंगे, क्योंकि पंजाब नायब तहसीलदार में एक नेक्स्ट लेवल जो क्वालिटी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको टारगेट हमें करना है, ठीक है जी। और बाकी सिलेबस हमारा फिर से सेम है, हमें क्या करना है, अगेन और रिवीजन करनी है और सब्जेक्ट्स की डेप्थ में जाना है, जैसे कि पॉलिटी के लिए कुछ और एनालिटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं तो उसको और अच्छे से रिवाइज करना है या थोड़ा सा और डेप्थ में करना है, ठीक है। पटवारी के लिए हम उसको जो है सिंपली जो है कई बार आ जाता है कि ये फंडामेंटल राइट कौन सा है, ठीक है, या फिर प्रेजिडेंट के ऊपर वन लाइनर आ गया, बट जब हम इसके लिए तैयार करेंगे नायब तहसीलदार के लिए तो उसी टॉपिक को थोड़ा और डेप्थ में पढ़ना है और उसके लिए हमारे पास टाइम भी है, राइट। तो अगर आप इस सभी प्रिपरेशन को करना चाहते हैं एक सिंगल रिसोर्स से, ठीक है, और एक बेटर वे में जिसमें आपको एक क्वालिटी कंटेंट मिले, तो आप जुड़ सकते हैं अभिपीडिया के साथ। अभिपीडिया इज़ पावर्ड बाय अभिमन्यु IAS और ये डिलीवर करता है क्वालिटी कंटेंट। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी सिविल सर्विसेज को टारगेट करते हैं, पंजाब के एग्जाम्स को टारगेट करते हैं उनको, ठीक है जी, वो आपके लिए लेकर आया है एक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन प्लान। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप एक बार इस सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ते हैं तो आप जो भी पंजाब के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी प्रिपरेशन ऐसे ही जो है यूनिफाइड वे से कर सकते हैं, एक ही जगह से, ठीक है, एक ही जगह से आप करेंगे तो जो कंटेंट रहेगा बार बार वो क्या रहेगा, एग्ज़ाम के हिसाब से वो लेवल अप हो जाएगा, बट आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट ये है कि जो भी एग्ज़ाम आपको आएगा आपको उसका कोर्स जो है वो लगाना है, ठीक है, आप उसका कोर्स एक्टिवेट करेंगे और आप उसका जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको इसमें कंप्लीट एक्सेस मिलेगी डिफरेंट पंजाब एग्जाम्स के वीडियो लेक्चर्स के ऊपर, PDF के ऊपर, MCQs और साथ में टेस्ट सीरीज़ भी मिलेंगे। जो भी पंजाब के एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हैं सबकी आपको क्या मिल जाएंगी, साथ में डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ भी मिलेंगी, ठीक है जी। तो आप जस्ट 2500 में अभिपीडिया के साथ जुड़ सकते हैं और जो भी डिफरेंट पंजाब के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं सिंप्लीफाइड वे में। अगर आपको इस सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट 9517736 and 51 पर, ठीक है जी। सो आई होप कि इस वीडियो में मैं जो आपको एनालिसिस बताना चाहती थी कि आपको सबसे पहले सिलेबस को लेना है और सिलेबस के हिसाब से जो अपनी प्रिपरेशन है उसको स्टेप्ड अप्रोच में आगे बढ़ाते जाना है, ठीक है जी। एक एग्ज़ाम के हिसाब से प्रिपेयर किया, फिर नेक्स्ट एग्जाम में जो डेप्थ की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से दोबारा से उसको क्या है रिवाइज़ करेंगे और डेप्थ में रिवाइज़ करेंगे। और सब्सक्रिप्शन जो प्लान है अभिपीडिया का ये आपको इसी में हेल्प करेगा कि आप जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उनको जस्ट एक बार सब्सक्राइब करके आप टारगेट कर सकते हैं, आपको जो है डिफरेंट कोर्सेज लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। सो आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही है एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।